फाइनली आई हैव रीच्ड गिलगित। बहुत ही खूबसूरत वादी है, चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। इस टाइम इतना खूबसूरत वेदर है, हवा चल रही है ठंडी। द मार्केट्स लुक इंटरेस्टिंग, सो आई थिंक आई विल जस्ट गो इनसाइड, मार्केट चेक करूंगा, देखें क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। बट आई थिंक आई एम श्योर दिस प्लेस हैज गॉट अ लॉट टू ऑफर। बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे, और बहुत ऊंचाई से अब मैं नीचाई की तरफ आया हूँ। आई एम सो टायर्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी हंग्री। और देर शुड बी नो प्लेस लाइक अ ढाबा रेस्टोरेंट जब आप कहीं भी लॉन्ग रूट पर ट्रैवल कर रहे हो। आई थिंक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, समझते हैं कि जी वहाँ पे खाना अच्छा होगा। आई थिंक द बेस्ट फूड इज़ बीन सर्व्ड हियर। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मस्ट होती है इन जगहों में, दैट्स टीवी। और बहुत सारे लोग जो खबरें देखना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं, जस्ट टेक दो सीट्स, आई जस्ट टेक दिस वन, आई एम जस्ट गोना ऑर्डर माई फूड, आई कांट वेट, आई एम वेरी वेरी हंग्री। अच्छा, रोड साइड रेस्टोरेंट्स की एक सबसे ख़ास बात ये कि जितने भी यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जो खाना ये बनता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए बनता है। लोकल लोग भी आते हैं बट बहुत कम है। और इन जगहों के खानों की ख़ास बात ये है, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, व्हाट आई रियली लुक फॉरवर्ड इज़ टू ट्राई समथिंग न्यू, बिकॉज जैसे ही आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, खानों के स्टाइल चेंज हो जाते हैं, खानों का तीखापन और इंग्रेडिएंट, ख़ास तौर पर जिस तरह यहाँ पर लोबिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ नेशनल का अचार भी सर्व किया गया, विच इज़ रियली रियली मुझे बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे लोबिया के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, अचार वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट रियली एड्स फ्लेवर टू फूड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने का जो इन्वायरमेंट है ये तो बहुत ही यूनिक है। रोटी यहाँ की बड़ी मज़े की होती है, तो रोटी चावलों की बनस्बत मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। आई एम जस्ट गोना स्टार्ट हैविंग फूड बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री। I could not resist the temptation because the ground is so beautiful. Of football, school time mein khelte the, bada zamana ho gaya abhi kheli hai, and it's very very tiring. Aam taur pe hum jab matches dekhte hain to tabsare karte rehte hain. Oh, I think you should keep in touch because football bada tough game, aapko bhagte rehna padta hai, and I think quite not used to it, but it's a beautiful place. Aur lush green surrounded by mountains, ऐसे grounds कभी मिलते हैं, so I thought I'll just enjoy. मैं यहाँ पे एक बहुत ही ट्रेडिशनल शॉप पे हूँ, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई वो यहाँ की ट्रेडिशनल गारमेंट्स। सबसे पहली जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की वो शॉप के अंदर आते साथ एक चोगा था, और वो मुझे बड़ा स्ट्राइक किया, बड़ा ट्रेडिशनल यहाँ का लग रहा था मुझे। तो क्या कहते हैं इसको, चोगा कहते हैं लोग यहाँ, ट्रेडिशनल है जी। और ये पटु का बना हुआ है। अच्छा, ये वो जो खड्डी का, खड्डी का, सर्दियों में ज्यादा काम आता है, सर्दियों में ये सारा बने हुए हाथ का बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक, खड्डी का सारा, और ये डिजाइन वगैरह भी काम जो है इसे हाथ की हुई है। ठीक, अच्छा अच्छा, इसकी आस्तीन नहीं अंदर डालते, आस्तीन नहीं अच्छा, डालते अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स सो यूनिक के आमतौर पे मैं अगर ख़रीदूंगा बाज़ार से, मैं डायरेक्ट इसके अंदर हाथ डाल लूँगा, बट आई बीन टोल्ड कि इसको एज इट इज़ पहना जाता है, ऐसे मतलब अच्छा। पहले ज़माने में यहाँ पे जो लोग नहीं थे, इनमें यहाँ के बांध के ना इसके अंदर सामान वगैरह बाज़ार से लेके जाते थे। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यानी लोग
इसका एक चीज़ का किस तरह मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज हाउ इट शुड बी। इनके साथ यहाँ ट्रेडिशनल इनका कैप्स भी है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? खरीद लो मेरे घर में ले जाओ। आई थिंक इट्स रियली नाइस। और इसको यहाँ पर ट्रेडिशनल ज़बान में शाटी कहते हैं, और मुर्ग जरीन एक परिंदा है, उसके पर हैं और उसके साथ मोर के पर भी हैं। इट्स वेरी वेरी वार्म, यानी बल्कि हॉट कहना चाहिए, वार्म तो छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर मौसम होता है उस हवाले से बड़े काम की चीज़ है। ये एक इंतहाई भारी लेकिन बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, और ये रियल पत्थर है, रियल स्टोन है। क्या क्या नाम है इसका? लापिस। अच्छा अच्छा, और ये कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से आता है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत पत्थर है, और सबसे ख़ास बात इसमें सारी सारी ये लेयर्स हुई हुई हैं। अच्छा, इसको क्या वैसे आमतौर पर इसके बनाते क्या हैं कुछ? ये इसके नेकलेस भी बनती है, हार वगैरह बनती है, बाकी ये तो डेकोरेशन के इस्तेमाल होती है। डेकोरेशन के तौर पर भी आप बेचते हैं इसको? ये क्या चीज़ है? ये कुमारीन है, यहाँ लोकल निकलते हैं, शुगर से निकलते हैं और से निकलते हैं, सुमायर से। अच्छा, पीछे इसके क्या लगा हुआ है? ये माइका लगा है इनके साथ, ये आप लोग लगा हुआ है। अच्छा, नेचुरल लगा हुआ है, निकला हुआ है इस तरीके। लेकिन क्या खूबसूरत पत्थर है, मुझे ये लग रहा था कि शायद इसको अंदर चिपकाया गया है, बट इट्स पार्ट ऑफ इट। और इवन जो स्टोन है वो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो बेस है वो बहुत खूबसूरत है। जब भी मेरे ख्याल में आप गिलगित आएँ तो ज़रूर स्टोर को विज़िट करें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी वैरायटी। इन द बेस्ट पार्ट है इसकी, यहाँ के सारे लोकल स्टोन्स हैं, कहीं से बाहर से नहीं आ रहे। इसका क्या नाम है? इसका कुमरीन नाम है। कुमरीन, कुमरीन। और सफायर इनमें कौन सा था? सफायर ये, सफायर ये है, बड़ा खूबसूरत पत्थर है। द बेस्ट पार्ट इज़ जो भी मेरे पास यहाँ पर वैरायटी पड़ी है, शोज के यहाँ पर हमारी ज़मीन में क्या क्या चीज़ निकलती है, थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें तो मेरे ख्याल में से कोई चीज़ आपको इम्पोर्ट ना करनी पड़े, सब कुछ लोकल यहाँ पर मिलता है। और बड़े खूबसूरत स्टोन्स हैं। दिस इज़ माय बर्थ स्टोन सैफायर। आई एम प्लानिंग टू बाय वन, बिकॉज जब आमतौर पे आप दूसरी जगहों में ख़रीदते हैं जहाँ के लोकली वहाँ से निकलते नहीं हैं, तो यू ऑलवेज एंड अप विद फेक स्टोन्स। आई एम गोना बाय दिस वन। Another beautiful morning, another beautiful location and another great tasting food. आज मैं बनाने जा रहा हूँ अचार गोश्त। बड़ी ही मज़े की डिश है, और अचार एक टाइम में इतना कॉमन नहीं हुआ करता था, अब बहुत दूर दराज इलाकों चले जाए, मैंने इतना ट्रेवल किया है, दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव सीन कि हर जगह मौजूद है। प्रॉब्ली पीपल डोंट नो कि कितनी मज़े की डिश ये बनने जा रही है। मैं इसको स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले हम लेंगे प्याज। इसकी ग्रेवी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, राइटली सो, बिकॉज इस सालन का जो मज़ा है वो इसकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रेवी में। और उस एक्स्ट्रा ग्रेवी के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल करें, प्याज और दही। कुछ लोग इसमें टमाटर भी शामिल करते हैं, चॉइस इज ऑल योर्स। व्हाट आई लाइक इज दही और प्याज का कॉम्बिनेशन, अचार का जो जायका आता है वो बहुत ही मज़े का आता है। आई एम जस्ट गोना चॉप इट ऑफ। जब भी कभी मेकशिफ्ट किचन बनाते हैं हम, जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें ये मूव कर रहा है। इसके लिए आपको छोटे पत्थर साथ में ज़रूर रखने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, अदरवाइज़ खाना पक रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आप चम्मच चला रहे हैं और ये कहीं मूव किया ऐसे तरीके से सारा का सारा गिर जाता है। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अच्छी तरीके से सपोर्ट कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन कोई आधा कप कुकिंग ऑयल। प्याज, लहसुन और अदरक, ये तीनों की तीनों एक साथ इसमें शामिल कर लेनी है, और इसको थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करें, अदरवाइज सालन का कलर भी डार्क हो जाता है और फ्लेवर बहुत ख़राब होता है। हल्का सा ब्राउन हो गया, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जिसको हमने 8 पीसेज में काटा है। आप चाहे तो इसके छोटे पीसेज भी बना सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बट इन द मीन टाइम व्हाट वी विल डू कि हम इसमें नेशनल का अचार गोश्त मसाला भी शामिल कर देंगे, ताकि इस चिकन की भुनाई के साथ थोड़ा इसका फ्लेवर भी फौरन ही मीट के अंदर आ जाए। कोशिश करें थोड़ा सा पानी भी रख लें अगर ज़्यादा आपको भुनाई करनी है, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें शामिल करते रहे, अदरवाइज़ ये मसाला जलने का खदशा होता है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें, और इसके बाद हमने इसमें फिटा हुआ दही तकरीबन 2 कप,
लेट इट कुक फॉर अबाउट जस्ट 10-15 मिनट्स। चिकन बहुत जल्दी पकता है, इवन हाई अल्टीट्यूड में भी अगर आप हैं तो 10-15 मिनट और मजीद बढ़ा लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। फार्म के चिकन का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। लेट इट कुक फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स मैक्स एंड बी रेडी। यहाँ पे आके एक चीज़ का मुझे बड़ा अंदाज़ा हुआ, जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज आते तो हमें जहन में होता है कि पता नहीं निकलते हुए क्या कुछ हमने गाड़ी में रखना होगा, मसाले रखें, ऑयल रखें। आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, नेशनल के सारे मसाले, नेशनल के अचार, हर किस्म की चीज़ें जो कुकिंग में आपको रिक्वायर्ड होती है। आप निकलें, यही तो चाह है इसका जब आप घूमने जा रहे हैं और आपके पास चीज़ें नहीं हैं। अब देखें हमारे मेकशिफ्ट किचन स्टोन्स, यहाँ पे आप जिस जगह खड़े हो जाए आपको मिल जाएंगे। 5-5 मिनट, 10 मिनट के बाद आपको आबशार बहते हुए मिलेंगे। मेरे ख्याल में से मैं अगर कहूं कि मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड विदाउट इट। आप कहीं भी उतर के नीचे चले जाएं, वहाँ पे आप हाथ मुंह धोएं, कुकिंग करें, बर्तन धोएं, और इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। देयर आर स्मॉल पिट स्टॉप्स ऑन योर गो, जगह जगह आपको छोटे छोटे बाजार भी मिलेंगे रस्ते में, वहाँ पे आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। चैलेंज, इट हैज़ कम आउट ग्रेट। पानी भी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो चुका है और इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, इसमें अब बहुत कम काम रह गया बिकॉज मेरी चिकन गल चुकी है और यू कैन सी कि ग्रेवी में जो ऑयल है भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। व्हाट आई एम गोना डू कि इसमें मैं चंद हरी मिर्चें शामिल करूंगा। एक चीज़ जो आमतौर पर मैंने नहीं देखी लोग डालते हुए, वो नेशनल का अचार है। इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड फ्लेवर जो मसाला हमने इसमें शामिल किया, बट दिस विल एड एन एक्स्ट्रा किक टू इट। और मैं इसमें अब शामिल करूंगा तकरीबन 3-4 टेबल स्पून्स नेशनल का अचार, और जैसे ही मैं ऐड करूंगा मैं चूल्हे से इसको उतार लूंगा। रीज़न बिंग कि हमने अचार को पकाना नहीं है। इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स, डोंट कुक इट, जस्ट मिक्स इट। आपने बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखे होंगे जो आम तौर पे शहर से बहुत दूर होते हैं, ना आप कभी उनकी लैंडिंग देखते हैं जहाज़ों की, ना टेक ऑफ देखते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एन एयरपोर्ट विच इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, दैट्स गिलगित एयरपोर्ट। और द अमेजिंग पार्ट अबाउट इट, यू कैन सी बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मेन शाहरा है। और एक और इससे ज़्यादा खूबसूरती की बात, द एयरपोर्ट इज़ नॉट कवर्ड, सिर्फ बाब वायर लगी हुई है, सो यू कैन एक्चुअली सी द लैंडिंग्स एंड द टेक ऑफ्स। It's an amazing view. I've never seen it in my life. Or I think this is how airport should be. Mujhe landings, takeoffs, aur bada maza aata hai. Aur sabse khas baat ek aur cheez, jaise hi humne strip dekhi, strip ke bilkul piche pahad hai. This would be a wonderful scene ki jahaz yahan landing kaise karte hain aur takeoff kaise karte hain. Unusual. नॉर्दर्न एरियाज़ की एक और बहुत बड़ी खसूसियत इसके आबशार और बहते हुए दरिया, और सबसे अच्छी बात जो कि मेरे लिए कम से कम नॉर्दर्न एरियाज़ का वेदर इज अमेजिंग। और इस हवाले से मैंने जो आज की डिश सेलेक्ट की है, जिन लोगों को कुकिंग का शौक है दे वुड रियली लव इट, दिस इज कॉल्ड दम पुख चिकन। और इसके साथ हम एक और काम कर रहे हैं, व्हेन वी आर मेकिंग चिकन व्हाई नॉट मेक वेजिटेबल्स विद इट ऑल्सो। और मैरिनेशन के लिए सबसे पहला काम, हम यहाँ पे चिकन लेके और इसको थोड़ा सा कट्स लगाएंगे। ये चिकन हमारे पास आ गया, ये ऑलमोस्ट कोई 1.5-1.5 किलो का चिकन है। What I'm doing के नेशनल के दो रेसिपी मिक्सेस को मैं मिक्स कर रहा हूँ। इस जस्ट थोड़ा सा अगर आप सोचें कि यार इसको मैं क्या कैसा फ्लेवर चाह रहा हूँ, अब मुझे इसमें थोड़ा तिक्का का फ्लेवर भी चाहिए था, बट द सेम टाइम आई लाइक द ब्रोस फ्लेवर ऑल्सो। वट आई एम गोना डू, मैं दोनों फ्लेवर्स को मिक्स करूँगा एंड आई एम श्योर कि इट विल कम आउट ग्रेट। सबसे पहला इसका मैरिनेशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट इज चिकन टिक्का, इट्स अ वेरी वर्सटाइल। कभी भी जब ये स्पाइस यूज़ कर रहे हो मेक श्योर के कभी ना सोचे कि चिकन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर अगर हमने बीफ बनाना है तो फिर क्या करें, या मटन बनाना है, इट कैन बी यूज एवरीवेयर। और अब आ जाते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पाइस, जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत मज़े का, दैट्स नेशनल का ब्रोस्ट स्पाइस। ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ अ पैकेट बोथ ऑफ देम। 2-3 अदद मैं नींबू काट लूँगा ताकि इसमें इसका जूस हम डाल सकें। रेस्ट ऑफ द स्पाइस इज़ वेरी रेडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ, नेशनल का मैं जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर भी शामिल करूंगा। ऑल दो रेसिपी मिक्सेस में होता है, तो मैं ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर दूंगा इसी स्टेज पे। एंड माय फेवरेट गार्लिक पाउडर का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, ताज़ा लहसुन का भी पसंद है, लेकिन पाउडर्ड लहसुन का फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसका मसाले का हम थोड़ा सा मिक्सचर बनाएंगे, लिहाजा मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, हाफ अ कप, दैट्स इट। इससे ये पेस्ट नुमा थोड़ा सा बन जाएगा, हम इस चिकन को इसमें मैरिनेट करेंगे। आधे से थोड़ा सा ज्यादा मसाला मैं छोड़ दूंगा चिकन के लिए, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। और इसको हमने अच्छी तरीके से स्पाइस इसके अंदर लगाना है, कहीं भी कुछ जो हमने कट्स लगाए खास तौर पे के अंदर मसाला जाना लाजमी है, तब कहीं जाके इसमें इसका बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, आ जाती है बारी वेजिटेबल्स की, और बेकिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ आलू है। जो आलू मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड न्यू पोटैटोज। आप जो फ्रेंच फ्राइज चिप्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए आइडियल आलू है, और ये हम यूज़ कर रहे हैं, और इसकी स्किन भी हम यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा नथिंग टू वरी अबाउट। मैं इसमें शिमला मिर्च, प्याज और आलू यूज़ करूँगा, अगर एक दो टमाटर साथ में ऐड करूँगा जस्ट फॉर द फ्लेवर, नॉट एज एन इंग्रेडिएंट। हमने मसाला बचाया हुआ था पहले से इस चिकन से, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसी मसाले में हम थोड़ा सा तकरीबन एक टेबलस्पून नेशनल का चाट मसाला भी शामिल कर देंगे। मेक श्योर कि स्पाइसेस, ये मसाला इसमें अच्छी तरीके से लग जाए, थोड़ी सी स्पाइस की क्वांटिटी कम करें, लेकिन कॉम्बिनेशन ही रखें, बहुत मजे का है। सबसे पहले इसमें हम ये सब्जियां शामिल करेंगे, पुट देम इन द सेंटर, और इन सब सब्जियों को पार्सल बनाना है, लेकिन पार्सल इस तरह बनेगा कि बिल्कुल सील पैक होगा। एक पीस और लेना है जिसमें इसे आपको डबल रैप करना है, रीजन बीइंग इसको हम मट्टी में दबाएंगे, सो वी नीड टू बी वेरी श्योर कि ये अच्छी तरीके से सील्ड है, ये ना हो कि कहीं से मट्टी घुस जाए और ये आपकी सारी की सारी डिश खराब हो जाए। अब हमने जो अंगारे हैं इसमें से थोड़े अंगारे निकाल लेने हैं, यानी हम अंगारे निकाल लेंगे, इसमें मीट आएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी रेत आएगी, और फिर रेत के ऊपर फिर थोड़े से अंगारे आएंगे। ये थोड़ा सा जरा मुश्किल टास्क है, इसके लिए मेरे पास तो ये चम्मच है, और आई एम गोना डू थोड़ा सा, मैं इसमें से कोयले यहाँ से निकाल के साइड में रखूँगा। अब इस आधे कोयले जो नीचे पड़ा हुआ है, इस पर मैं डालूँगा थोड़ी सी रेत। उसकी वजह यह है कि अगर हमने डायरेक्ट चिकन कोयले पर रख दिया तो चिकन कोयले की हीट की वजह से चिकन अंदर सारा जल जाएगा, और ये सारा का सारा कोयला हर जगह आप डाल दें, कोई कोयला जाया ना हो। सूखी भी मट्टी डालें, रेत डाल दें बेहतर है, ताकि ये गर्म रहे और ये ऊपर से भी इसको कवर्ड रहे, ये ठंडा ना होने पाए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हमने काम ये करना है, इसको तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, अपने आहिस्ता आहिस्ता करके पहले साइडों में से मट्टी हटाएं, बहुत गर्म होगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। Oh yes, it's done and it's ready. हुंजा जाते हुए जगह जगह आपको खुबानी के बागात मिलेंगे, और मैं इसी एक बाग में बैठा हूँ। बहुत ही खूबसूरत इलाका, बड़ा मॉडरेट टेम्परेचर, और उसके साथ साथ ये ताज़ा खुबानियाँ। कभी दरख्त से अगर आपने फल तोड़े हों तो आपको अंदाज़ा हो कि उनकी ताजगी कोई कंपैरिजन नहीं है जो आप बाज़ार में ख़रीदते हैं। ऑल दो दे माइट बी वेरी वेरी फ्रेश, दे लुक रियली गुड। और एक और ख़ास बात, इधर का वेदर इतना मज़े का है कि ये जब मैंने इसको खाया है तो ऐसा लगता है फ्रिज में से निकाल के खा रहे हैं, इतनी ठंडी है, और द होल सीन इज़ सो ब्यूटिफुल। एक और ख़ास चीज़ जो इन बागात की है, इनकी कल्टीवेशन जिस तरीके से की गई है बिल्कुल पहाड़ी के लेवल पे, दामन नहीं है, और पहाड़ी जिस तरीके से जारी उस तरीके से ही इनको क्रॉप की गई है इनकी, जिसकी वजह से इतने खूबसूरत लगते हैं। और इसके बीच बीच में उन्होंने बड़े खूबसूरत दरख्त लगाए हुए, जो मेरे ख्याल में से शायद उनकी बाउंड्री वॉल भी है, और रेयरली मुझे कोई एक दरख्त दिख रहा हो जिसमें कच्ची हूँ, सारी की सारी पकी हुई हैं। खुबानियाँ सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, और ये 5-स्टार फ्रूट्स में से आते हैं, यानी इनमें बहुत सारी गज़ाइत, मुख्तलिफ किस्म के अज्जा इसमें होते हैं। खुबानी का रंग भी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, जो हम आम तौर पे खुबानी देखते हैं वो हल्के सब्ज रंग की होती है, और इसको सुखाया भी जाता है, इसका खुश्क मेवा भी बनाया जाता है, लेकिन इस खुबानी का
जब सुखाते हैं और खुश्क मेवा बनाया जाता है, ये बिल्कुल नारंगी रंग की होती है। लिहाजा कहीं भी बाजार में अगर आपको नारंगी रंग की सूखी हुई खुबानी दिख रही है, इसका मतलब है उसका ताल्लुक इसी इलाके से है। ये हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है, उसकी वजह यह कि इसमें बेशुमार गजाइत है और सेहत के हवाले से बहुत मुफीद। यहाँ पे जगह जगह इन्होंने झरने बनाए हुए हैं और वहाँ से पानी बह के आता है, पत्थरों से उसका लेवल ऐसे बनाया गया है जो कि मेरे तरफ यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे चंद जगहों को इन्होंने सीमेंट भी किया हुआ है, बट डजंट लुक लाइक इट्स बीन सीमेंटेड। और ऊपर से सारा पानी फ्लो करता है, पूरे बाग को पानी दे सकते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग टेक्निक, बट आई लव इट। और खुबानियाँ कुछ मैंने तोड़ लिए, कुछ तो नहीं खाऊँगा, बहुत सारी खाऊँगा बिकॉज दे आर रियली रियली फ्रेश एंड टेस्टी। मैं मौजूद हूँ करीमाबाद खुंजा के बिल्कुल सेंटर में। ये फोर्ट तकरीबन 900 साल पुराना है। कंप्लीट 100% जो वर्कर्स हैं वो सारी की सारी ख्वातीन हैं। मिरेकल स्पाइस यूज कर रहा हूँ, दैट्स नेशनल चिकन टिक्का स्पाइस।